हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं पाइप और टंकी का पार्ट टू लेकर के आया हूँ। ठीक है, इस पार्ट में मैं आप लोगों को धारिता से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। और इसके पहले वाले पार्ट में मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये पूरा चैप्टर जो है वर्क एंड टाइम पे बेस्ड है और वर्क एंड टाइम के मैंने 6 पार्ट बना के ऑलरेडी डाल दिया है जो कि आपके हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो और सबसे बड़ी चीज़ इस पार्ट में या इसे पार्ट वाले पहले वाले पार्ट में जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसका PDF दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सारे क्वेश्चन लगभग धारिता से रिलेटेड ही होंगे। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, यानी टैंक का जब तीसरा हिस्सा भरा हुआ है ना, तीन हिस्से में से एक हिस्सा भरा हुआ है तो उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर कितना पानी होगा? आपने सोचिए, अगर ऐसे ही आप सोचें कि अगर ये टैंक है, इसके तीन हिस्से हैं, देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, तीन है, और उसका एक पार्ट केवल भरा है, ए वाला पार्ट, और वो कितना है, 80 लीटर है। तो ए वाला भी पार्ट तो 80 होगा और ए भी 80 होगा, तो टोटल अगर आप ऐड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कितना लीटर है, 240 लीटर है ना। तो बोला है आधा भरा होना चाहिए, तो 240 का जब आधा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप ये समझ सकते हैं कि 1/3 की वैल्यू 80 लीटर के बराबर है, तो एक की वैल्यू 80 × 3 लीटर के बराबर होगी, तो आधे की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 80 × 3/2, ये सेकड़ जाएगा, आ जाएगा 40, 40 × 120 लीटर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो नलिकाएं, ठीक है ना, सॉरी देखें कौन सा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें आपके सामने है कि दो नलिकाएं एक्स वाई टंकी को क्रमशः, अच्छा देखें थोड़ा सा उस पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड है, देख लेते हैं। दो नलिकाएं एक्स वाई एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकती हैं, वे दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 24 और 32, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 × 4 = 32 होता है और 8 × 3 = 24 होता है, तो 8 तो दोनों में कॉमन है, तो 8, 4 और 3 एलसीएम हो गया, तो 24 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है, और 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, इसका गुणा करना चाहें तो आ जाएगा 4 × 3 = 12, 8 × 96, यानी 96 लीटर। ठीक है, एलसीएम आ गया ये। तो कह रहा है कि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दिया जाए तो वाई को कितने मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। ठीक है, तो कह रहा है पहले क्या करेंगे आप, जैसे पहले इन दोनों नलिकाओं को खोल दें, आप समझते चलिए दोनों को खोल दें, और कह रहा है कि टंकी 18 मिनट में भरनी चाहिए टोटल, तो मान लेते हैं कितने समय के लिए खोलते हैं, कह रहा है कितने मिनट के बाद वाई को बंद करें, तो यहाँ पे वाई को बंद कर दे दिए, तो यहाँ पे अब कौन चलेगा, इधर एक्स वाला चलेगा, है ना। तो और टोटल टाइम उसको लगना चाहिए कितना, 18 मिनट लगना चाहिए भरने में, तो कितने मिनट के बाद उसको बंद करें। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए टोटल कितना लगना चाहिए, टोटल 18 लगना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे जो आंसर दिया, अगर ऑप्शन से चेक करें, पहला ऑप्शन 10 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं 10 मिनट तक उसको, 10 मिनट तक दोनों एक साथ चले, तो दोनों एक साथ चलेंगे तो 1 मिनट में देंगे 7 लीटर, तो 10 मिनट चलेंगे तो 70 लीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाई बंद हो जाए फिर एक्स चले, तो एक्स जो है 1 मिनट में 4 लीटर, है ना, तो बचा कितना, 70 लीटर भर चुका है तो बचा कितना, 26 लीटर। ठीक है, तो जब 26 लीटर बचा तो वाई देता है 4 लीटर, तो क्या 26 को भर पाएगा, 8 में नहीं भर पाएगा, है ना, तो मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब जो है अब आप दूसरा चेक कर लीजिए कि दूसरा वाला ऑप्शन होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन 8 को अगर हम लोग चेक करना चाहें, ठीक है, अगर मान लें कि ये 8 मिनट बाद बंद किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 मिनट तक काम हुआ, तो दोनों x + y है 4,
तीन सात, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा, 7 और 8 56, तो बचा कितना 40 लीटर, है ना। अब 40 लीटर को क्या, 8 मिनट इधर हो गया, 10 मिनट में भरेगा कौन, कौन भरेगा, एक्स, और एक्स का मान कितना है 4, तो 1 मिनट में 4 लीटर, तो 10 मिनट में कितना 40, मतलब ये वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है और ये सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं, सपोज करिए आप ऑप्शन से नहीं निकालना, चलिए अगर मान लीजिए अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते, तो मान लीजिए पी समय बाद इसको बंद किया जाता है, तो एक्स प्लस वाई, अच्छा 1 मिनट में कितना लीटर देते हैं दोनों मिलके, 7 लीटर, 4 3 7, तो पी मिनट में कितना देंगे, 7 पी, 7 पी लीटर पानी देंगे, ठीक है ना, इतना पानी हुआ, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 18 माइनस पी, 18 माइनस पी टाइम के लिए कौन चलेगा, एक्स चलेगा, तो एक्स 1 मिनट में देता है 4 लीटर, तो 18 माइनस पी में कितना देगा, 18 माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 4, और ये पूरा पानी मिला के कितना होना चाहिए, 96, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 7 पी प्लस 18 माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर 96, तो ये हो जाएगा 7 पी प्लस 18 चौके 72 माइनस 4 पी बराबर 96, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 3 पी 72 आके उधर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 और 2, है ना, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 24 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यानी टैंक को 8 मिनट में बंद कर दिया जाए तो ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, एक ऑप्शन वाला तरीका और एक दूसरा तरीका। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है और 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भरा है। तो देखिए टंकी का 6/7 भाग भरा हुआ है और 60 लीटर जब तेल निकाल लेते हैं, है ना, तो टंकी की क्षमता मान लीजिए एक्स है, एक्स का 6/7 भाग भरा हुआ था, ये तेल हो गया, है ना, इसमें से 60 लीटर और निकाल लिए, निकाल लेने के बाद ये टंकी का 4/5 भरा है, तो टंकी का ये 4/5 भरा है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6x/7, ये 4x/5 इस तरफ आ जाएगा बराबर 60, एलसीएम हो गया 7 × 5 = 35, इसका इधर गुणा होगा 30x, इसका इधर होगा -28x, ठीक है, बराबर 60, तो 30 में से 28 गया 2x, 60 मल्टीप्लाई बाई इधर आ जाएगा 35, 2 से काट देंगे ये हो जाएगा 30, है ना, 0 35, तो यहाँ कितना हो जाएगा 105, तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा है कि टैंकी की क्षमता बताइए, तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। पास पानी से भरे हुए पूरे पानी के घना का टैंक में इतनी बाल्टी 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है, तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है, इतना लंबाई का है, ये सारी चीज़ें पूछा है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं टायर 2 में आया हुआ है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं चलिए इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या पूछा गया, कितना घुमा पूछा गया। पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घना का टैंक में 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया, तो 1/3 टैंक पानी से भरा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं अगर अगर 1/3 हिस्सा भरा है तो 2/3 हिस्सा निकाला गया होगा, है ना, इतना निकाला गया। तो मान लेते हैं कि टंकी की धारिता एक्स है, मान लेते हैं टंकी की धारिता कितनी है, एक्स है, तो 2/3 हिस्सा एक्स का निकाला गया है और वो किसके बराबर है, 64 बाल्टी पानी के बराबर है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो भुजा की लंबाई है घनाकार टैंकी 1.2 मीटर है, तो उसका आयतन आप निकाल लीजिए, तो 1.2 भाई भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, आपने पढ़ा होगा घन का आयतन, तो ए आ गया आपका मीटर क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, इसको याद कर लीजिए, तो 1.2 × 1.2 × 1.2, अब 3 जीरो से 3 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो 12 × 12 × 12, ये टंकी की धारिता आ गई, तो जब धारिता आ गई तो आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, तो 12 × 12 × 12 ये बराबर हो गया किसके, 64 बाल्टी के। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रत्येक बाल्टी में कितना होगा पानी का आयतन, तो आपको यहाँ पे 1 बाल्टी इसको रख लेना है ना, तो 64 इधर आ जाएगा भाग में, तो 3 से आप इसको काट लीजिए, 3 चौके 12, तो आ गया 2 × 4 × 12 × 12,
नीचे हो गया 64, चार से काटेंगे आ जाएगा 16, चार से काटेंगे चार थियाँ 12, चार चौके 16, चार से काटेंगे तीन, तीन त्रिके 9 × 18। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक बाल्टी पानी जो है, एक बाल्टी में कितने लीटर पानी है, 18 लीटर पानी है। आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि पूरी तरह भरे हुए घनाकार टैंक में 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया और 1/3 बाल्टी अगर पानी, 1/3 भाग जो है टैंक का भरा हुआ है, तो मतलब 2/3 हिस्सा पानी निकाला गया है। तो जो निकाला गया पानी है वो 2/64 बाल्टी तो है, तो ये निकाले गए के बराबर हो जाएगा। अब आयतन यहाँ पे निकाल लीजिए आप और यहाँ पे रख दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को डील करना होगा। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज किया हुआ था, है ना। अब क्या लिखा हुआ है, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, मतलब 6 घंटे में भर सकता है और बी 8 घंटे में भर सकता है, दोनों एक साथ खोल दिए जाएँ, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 6 से काटेंगे 4, 8 से काटेंगे 3, यानी दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। अब देखें, दोनों अगर एक एक साथ खोल दिएगा, सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है, तो अगर दोनों एक साथ खोलेंगे, ठीक है, तो 4 और 3 7 के हिसाब से यहाँ पे देगा। तो मान लेते हैं कि पी समय बाद उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यह कितना हो गया, 7P हो गया। तो इधर कितना हो जाएगा, किसको बंद किया जा रहा है, टंकी। तो टंकी को 4 घंटे भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, बी को बंद किया गया मतलब इधर ए चलेगा, ए का कैपेसिटी है 4 और टाइम कितना बचा भाई, टोटल 4 घंटा लगना चाहिए था, है ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 घंटा लगना चाहिए था, मगर जब इधर पी लगा तो इधर क्या हो जाएगा, 4 - P, ठीक है। तो ये हो गई टोटल कैपेसिटी। अब टोटल कैपेसिटी जो है आप पहले ही निकाल चुके हैं, 4 - P पहले निकाल चुके हैं, 24। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम देखें 7P - 4P आ जाएगा 3P = 24, 4 × 16, तो P आ जाएगा कितना, 8/3। तो 8/3 समय में अगर टंकी को आप बंद कर देंगे B को, तो आराम से भर जाएगी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से भरी पूरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है ना। तो एक छेद है, ये छेद है 10 घंटे में खाली कर देता है, इतनी बात समझ गए। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो और साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए जो 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से दे रहा हो, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे समय लगता है। जब उसको भी चला देंगे, ठीक है, तो छेद जो है 15 घंटे समय ले लेता है छेद द्वारा, तब 15 घंटे समय लग जाता है इसको खाली करने में जब दो चल पड़ते हैं, ठीक है। तो कह रहे टंकी कितने लीटर पानी, टंकी में कितने लीटर पानी भरा था, तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि ए की वैल्यू अगर -3 है तो बी की वैल्यू 1 होगी, -3 और +1 तभी तो मिला के -2 होगा, तो बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना। तो कह रहा है 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से क्या कर रहा है, पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा गया है, तो 1 मिनट में वो 4 लीटर पानी दे रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर मान लीजिए इसको टाइम देखें, बी को कितना लगेगा, बी को जो टाइम लग जाएगा 30/1, यानी कितना लगेगा, 30 घंटे लग जाएगा उस टंकी को भरने में, ठीक है ना, 30 घंटे लग रहा है उस टंकी को भरने में। तो देखें अब उसकी स्पीड कितनी है भाई, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से वो पानी दे रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 लीटर पानी कितना दे रहा है, 1 मिनट में दे रहा है 4 लीटर पानी, तो 60 मिनट में कितना पानी देगा, 60 मिनट में पानी देगा 60 × 4, ठीक है। तो 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, 1 घंटे में हो गया 6 × 24 यानी 240 लीटर। तो पूछा है कि 30 घंटे में, क्योंकि 30 घंटे टाइम आया है ना, तो 30 घंटे में आप देख लेंगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा कि 30 घंटे में मतलब 2400 लीटर पानी उस टंकी का आयतन हो जाएगा, क्योंकि उसने उसका समय यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। टंकी के तल में रिसाव होने से पूरी टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। तो ये मतलब 6 घंटे में खाली हो जाती है। फिक्र है, एक अंतर्गम पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है जिस समय टंकी पूरी भरी है। अंतर्गम पाइप खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टंकी 8 घंटे में खाली होती है ना। तो ए प्लस बी मान लेते हैं कि 8 घंटे में खाली होती है। इन दोनों का लसा आ गया 24, इससे भाग किया -4 और इसे भाग कर दिया कितना आया -3। तो ए की वैल्यू है -4, तो बी को अगर +1 करेंगे तभी -4 + 1 मिला के -3 होगा। तो बी का आपको पता चल गया है ना। तो बी वही है जो पानी भर रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ से इसका निकाल लीजिए कि इसको कितना टाइम लगेगा। तो 24 लीटर पानी भरना है और एक देता है पानी, तो आपको ये पता चल गया कि इसको 24 घंटे टाइम लगेगा पानी भरने में, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे बोल रहा है कि एक मिनट में कितना पानी दे रहा है, 4 लीटर, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना पानी देगा, 60 मिनट में पानी देगा 60 × 4, ठीक है ना। तो मतलब इस 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 240 लीटर पानी दे रहा है। तो आपको निकालना है 24 घंटे में, है ना। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 240 × 24 लीटर। तो देखिए एक जीरो आ गया, 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576। तो आपको टंकी की कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। और एक कमेंट ज़रूर लिखिए कि थैंक यू सर, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगर मैं रात के लगभग 3 बज रहे हैं, समय मैं 3 बजे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और एक कल मैं सुबह अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक छोटा सा मेहनत करके थैंक यू तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।